विराट कोहली ने बचा लिया केएल राहुल का करियर। ऐसा क्या बताया कि राहुल तो विस्फोटक हो गए। केएल राहुल पहले द्रविड़ के पास गए, फिर रोहित के पास। पांडे ने कहा सीधे कोहली भैया के पास जाएं। केएल राहुल के एक थ्रो ने दिलाई जीत। बांग्लादेश को नहीं मिला नागिन डांस का मौका, गजब हो गया। केएल राहुल जब मैदान पर आए तो बांग्लादेश के खिलाड़ियों की प्लानिंग थी कि राहुल को पहले ओवर में ही आउट करना है। अगर आज राहुल जल्दी आउट हो जाते तो शायद करियर का सूरज भी अस्त हो जाता। पर मैदान पर और मैदान के बाहर कुछ ऐसा हुआ जो आपको जरूर देखना चाहिए। केएल राहुल परेशान थे, फॉर्म की तलाश कर रहे थे। यहां तक वो जूनियर खिलाड़ी सूर्या और पांड्या से भी बात कर रहे थे, पर सही ज्ञान मिला उनको कोहली के पास। दरअसल विराट कोहली वो सब देख चुके हैं जो केएल राहुल देख रहे थे। यहाँ तक कि लोग उनकी बेटी, उनकी पत्नी अनुष्का तक पहुँचने की धमकी तक देते रहे थे। लेकिन एक खिलाड़ी सबका जवाब अपने खेल से ही देता है। विराट कोहली कितने फॉर्म में है सब जानते हैं, लेकिन कोहली के फॉर्म में लौटने की कहानी दूसरी थी और राहुल की कहानी दूसरी है। राहुल को कोहली ने ऐसा गुरु मंत्र दिया कि एडिलेड के पिच पर बांग्लादेश का नक्शा ही बदल गया। ये वीडियो देखिए कैसे विराट कोहली केएल राहुल को ये सिखा रहे हैं कि कैसे शॉट खेलना है। वहीं टीम इंडिया के बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौर और राहुल द्रविड़ भी खड़े हैं। इसमें कोहली ने राहुल को ये समझाया कि कहां गलती हो रही है। करीब 2 घंटे से ज्यादा की प्रैक्टिस में विराट का फोकस खुद से ज्यादा केएल राहुल पर था, जिसके बाद राहुल ने ऐसा आत्मविश्वास दिखाया कि मैच से ठीक पहले द्रविड़ ने कहा, केएल राहुल बेहतरीन खिलाड़ी है, ओपनिंग जोड़ी को लेकर हम कोई बदलाव नहीं करने वाले हैं। हाँ, दिनेश कार्तिक दर्द से परेशान है, इसलिए उनके नाम पर विचार किया जा रहा है। हालांकि इस मैच में कार्तिक को भी जगह मिली। कार्तिक सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन फिलहाल राहुल का फॉर्म देखिए। राहुल ने जब छक्का मारा तो कोहली का रिएक्शन देखने लायक था। राहुल ने जब चौका मारा तो कोहली बूस्ट कर रहे थे। अर्धशतक पूरा होने पर गले मिले, लेकिन उससे पहले जो कोहली ने किया उसकी तस्वीर वायरल हो रही है। राहुल अच्छे खिलाड़ी है, लेकिन वर्ल्ड कप में इसे साबित करने में उन्हें काफी वक्त लग गया। केएल राहुल ने आज वर्ल्ड कप 2022 में अपना पहला अर्धशतक लगाया और 32 गेंदों पर 50 रन बनाए। इस छोटी सी पारी में 4 छक्के और 3 चौके लगाए। राहुल का क्लास जिसे पता है, वो उनकी 44 गेंद पर 64 रनों की पारी नहीं भूलते। ये उनके अच्छे फॉर्म की एक शानदार पारी थी। टूर्नामेंट में अब तक सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में कोहली नंबर 1 पर हैं। उनका आत्मविश्वास ऐसा लौटा है कि पहले केएल राहुल को सलाह देते दिखे, फिर पांड्या को समझाया, उसके बाद दिनेश कार्तिक जब फ्री हिट पर छक्का नहीं मार पाए तो विराट ने कहा आंख बंद करके मारना था। हालांकि कार्तिक बांग्लादेश को नागिन डांस नहीं करवा पाए और आउट हो गए। रोहित शर्मा कप्तान है, लेकिन खुद अपने फॉर्म से जूझ रहे हैं, इसलिए कप्तान न होते हुए भी विराट कोहली कप्तान की भूमिका में है। सूर्य कुमार यादव T20 की रैंकिंग में रिजवान को हटाने में सफल साबित हुए और जिंदगी में पहली बार वो नंबर 1 पर पहुंचे। सूर्य कुमार ने 15 गेंद में 30 रन बनाए। भारत ने 184 रनों का स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में लग रहा था बांग्लादेश की टीम सस्ते में ही आउट हो जाएगी। लेकिन केएल राहुल और कोहली से बहुत तेज बल्लेबाजी बांग्लादेश के ओपनर लिटन दास ने की, जिनकी तूफानी पारी ने एक वक्त सबको डरा दिया था। हालांकि केएल राहुल की शानदार फील्डिंग ने पूरा खेल बदल दिया। बारिश के बाद जैसे ही टीम दोबारा मैदान पर आई, लिटन दास को रन आउट कर दिया और आखिरकार जीत भारत की हुई। सब कुछ अच्छा होने के बीच ये पहला वर्ल्ड कप है जिसमें रोहित शर्मा का बल्ला खामोश है, जो भारत के लिए एक संकट है। इस हार के साथ ही बांग्लादेश टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है, जबकि भारत को सेमीफाइनल का टिकट मिल चुका है। अब भारत का अगला मैच जिम्बाब्वे से है, जहां जीत की काफी गुंजाइश है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।